वेलकम टू ऑल स्वागत आप सभी का आर एस यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज के साथ में जी हाँ एयरफोर्स सेकेंड इंटेक 2023 के लिए एक नई भर्ती का आगाज हो चुका है और भर्ती में क्या क्या आपके लिए योग्यता दसवीं पास है सैलरी भी वही है जो आपकी रेगुलर वैकेंसीज में आती है या फिर फॉर्म डेट क्या होगी आयु सीमा सिलेबस क्या होगा और सिलेबस को लेकर एक इतना सा इशारा कर देता हूँ कि जिस बच्चे ने फॉर्म भर दिया उसका सिलेक्शन पक्का है अभी मैं इस पर पूरा डिटेल वीडियो 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होगा लेकिन सारे डाउट क्लियर करूँगा और ये जो वैकेंसी है ये जो एग्ज़ाम है वो वैकेंसी उन बच्चों के लिए है जो फील्ड में जो ड्यूटी जिनको मिलती है उनके अलावा बाकी उनके एज ए हेल्प के रूप में जो हेल्पर होते हैं उनके लिए ये आपका जॉब होने वाला है यानी इनको फील्ड में ड्यूटी नहीं मिलेगी यहां पर मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा सारे डाउट क्लियर करूंगा लेकिन एक चीज मान के चलिए अगर आपने इसका ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा अगर आपने फॉर्म भर दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का इसका रीजन दूंगा क्योंकि सिलेबस में कुछ भी नहीं है एग्जाम पैटर्न में कुछ भी नहीं है चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूं यहां पर देखिए इंडियन एयरफोर्स आपका और ये जो अग्निवीर वायु की जो स्कीम है अग्निपथ जो स्कीम है उसी के अंडर ये वैकेंसी है यहां पर अगर मैं बात करूं इनटेक देखिए सेकेंड दो का है आपका और यहां पर जो आपका एज क्राइटेरिया है आप एलिजिबल है अगर आपका डीओबी 28 दिसंबर 2002 से बाद में 28 दिसंबर भी उसमें इंक्लूड है और 28 जून 2006 के पहले जिसमें 28 जून भी शामिल होगा अगर ये आपका डीओबी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं और आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना अगर आप इस डी में आते हैं अगर आप इस डी से बाहर चले गए तो आगे का आप टाइम अपना खराब ना करें लेकिन अगर आप इस डी में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बहुत बढ़िया से चीजों को मैं क्लियर करूंगा सारे डाउट आपके क्लियर होंगे ठीक है देखिए यहां पर अगर, अगर अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका टेंथ पास पास की अगर अपन बात करें टेंथ पास आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से पहली चीज क्लियर है उसके बाद में अगर, अगर अपन बात करते हैं रिटर्न टेस्ट की पहला जो फेज होगा वो रिटर्न टेस्ट होगा और ध्यान दीजिए रिटर्न टेस्ट में जनरल इंग्लिश के जो आपका टेंथ लेवल का होगा दस क्वेश्चन होंगे है ना दस नंबर के और यहां पर देखिए जनरल नॉलेज होगा जीके होगा दस नंबर का यानी टोटल बीस नंबर का पेपर होगा और बीस नंबर पेपर में से मिनिमम स्कोर आपका अगर आपको रिटर्न पास करना है तो दस नंबर चाहिए अगर रिटर्न पास करना तो केवल दस नंबर चाहिए यानी फिफ्टी परसेंट आपका स्कोर चाहिए बीस में से और केवल और केवल क्या के के आएगा इंग्लिश और आपका जीके दस क्वेश्चन इंग्लिश दस आपका जीके तो ये बहुत इजी है अब अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूं तो सैलरी पैकेज में आपको कोई अगर डिफरेंस नजर आता है तो आप देख लो वही आपका सैलरी पैकेज वही पैटर्न आपका रहेगा जो यहां पर आपका जो अग्निपथ स्कीम में जो आपको बाकी सैलरी पैकेज है वो सारी की सारी सेवानिधि पैकेज वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा बस फर्क इतना है कि जो फील्ड में ड्यूटी होती है वो यहां पर आपको नहीं मिलेगी आपको एज ए हेल्पर यहां पर आपको हेल्प करनी है काम करना है ठीक है मैं उसके बारे में बात करूंगा काम क्या करना होगा मैं उसके बारे में भी अभी आगे बात करूंगा उसके बाद में सेकेंड फेज में फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका पीएफटी होगा पीएफटी के लिए आपको बुलाया जाएगा टेस्ट आपका होगा वो ऑफलाइन होगा है ना फॉर्म भी आपके ऑफलाइन भरे जाएंगे अभी मैं उस पर भी आगे बात करूंगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका जो पीएफटी होगा इसमें आपको भाई साहब यहाँ पे साढ़े छ मिनट का टाइम दिया जाएगा और 1600 सो मीटर की रनिंग आपको करवाई जाएगी अगर हिल एरिया में आप हैं अगर आप हिल एरिया में हाई एल्टीट्यूड में अगर आपको रनिंग वगैरह करवाई जाती है तो पांच फीट का एल्टीट्यूड है चढ़ान है तब तक आपको कोई छूट नहीं मिलेगी लेकिन अगर 5000 से 9000 फीट की ऊंचाई पर अगर रनिंग हो रही है आपके इतना एल्टीट्यूड है तो 30 सेकंड एक्स्ट्रा मिलेंगे और 9000 से 12000 के बीच में है तो आपको 120 सेकंड यानी दो मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उसके बाद में फिजिकल फिटनेस टेस्ट पार्ट टू और यहां पर आपको देखिए पुश अपे सिट्स अप होंगे उठक बैठक का ये सेम पैटर्न आपका है जो यहां पर आपको दिया गया है दस मिनट का बीच बीच में ब्रेक दिया जाएगा उसके बाद में दो मिनट का ये ब्रेक दो दो मिनट का ब्रेक रहेगा दस मिनट ये रनिंग के बाद का ब्रेक है फिर

अप्लाई करना है उस पर आपका काम होगा अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं देन आपको यहां से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा एस में अगर आप ये परफॉर्मिंग नहीं रहती है आपकी देन आपका यहां पर रिटर्न टेस्ट एंड पी एफ टी वो यहां पर एसएसटी में आएगा आपका स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट में और फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा पर देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं है यहां पर, जो जो पर बहुत सारे बच्चों के डाउट में क्लियर कर देता हूं हॉस्पिटेलिटी का स्ट्रीम है हाउसकीपिंग का स्ट्रीम है यहां पर हॉस्पिटलिटी में सारे के सारे जो आपके प्रोसेस है कुकिंग का है किचन का है मैनेजमेंट का है डिस का है सैनिटाइज का है इन्वायरमेंटल इन द किचन आ गया ओडल करने का आ गया आपका सेफ स्टोरेज ऑफ फूड हो गया ये सारा हैंडली क्रॉकरिंग कल्चरली पूरा का पूरा प्रोसेस आपका यहाँ पर आपको मिलेगा हाउस कीपिंग स्ट्रीम में यहाँ पर आपका जैसे आपका जो हेल्प हेल्प उनको चाहिए जो हेल्पिंग पर्सन होगा वो यहां पर आपका ज्वाइन करेगा यहां पे देखो आप है ना वहां पे आपके जो गार्डन वगैरह है उनको क्लीन रखना है है ना ग्रास वगैरह की कटिंग वगैरह करनी है ये सारी चीजें आपकी आएगी मतलब आपको फील्ड में ड्यूटी नहीं मिलेगी सारी सैलरी पैकेज आपका सेम रहेगा बट ये आपका वर्क प्रोफाइल रहेगा यहां पर मैं एक टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा हूं और ये टेलीग्राम चैनल आपका कमेंट में आपको पिन मिल जाएगा यहां पर जाके आप देखेंगे इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना इसका एक मैं रीजन दे रहा हूं क्यों क्योंकि जो फॉर्म भरा जाएगा ऑफलाइन भरा जाएगा। और उसके लिए आपको प्रॉपर उसका फॉर्मेट आपको चाहिए तो ये प्रॉपर फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा आप आप जाके उसको देखिएगा तो पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। और फिर यहां पर पे डाल दूंगा चीजें क्लियर हो जाएगी फॉर्म ढंग से भरना जल्दीबाजी में गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और यहां से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है उन्नीस तारीख से और लास्ट डेट है सबमिट करने की वो है एक सितंबर आपका एक सितंबर से पहले पहले आपको फॉर्म सबमिट करने हैं तो लास्ट डेट का वेट आपको नहीं करना है आपको पहले अपना फॉर्म भर के सबमिट कर देना है तो ये आपका रहेगा और यहां पर जो तैयारी आपकी चल रही है एयरफोर्स के लिए कंप्लीट जो आपका बैच है रेगुलर जो वैकेंसीज है उसके लिए भी आपका नायक लाइव बैच चल रहा है जहां पे आपको जुड़ के तैयारी आपकी करनी है फॉर्म जरूर भरना है आपको ये आपका नोट्स बैच है नोट्स बैच में पूरा का पूरा आपका डिटेल सीपीपी हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन एसपीपी कॉन्सेप्ट तो क्लासेज होती है उनके एज इज नोट्स मिल जाएंगे टॉपिक वाइज मॉकटे है मिक्स मॉक टेस्ट है इनको आपको अप्लाई करना है तो ये रेगुलर वैकेंसीज के लिए आपका होने वाला है आपकी जो एग्जाम आने वाली है उसके लिए है कोई भी डाउट रहता है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं फॉर्म जरूर भरें ज्वाइनिंग मत लीजिएगा लेकिन ये तो हो कि मेरा सिलेक्शन हो गया था मैं ज्वाइन नहीं किया लेकिन जॉब जॉब होता है जो प्रोफाइल आपका आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया है बेहतरीन मौका है फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा और आपका सिलेक्शन पक्का है मान के चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कमेंट में टेलीग्राम का लिंक पिन है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना वहाँ पर आपको सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी थैंक यू सो मच लव यू ऑल बाय जय हिंद